हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण और उपचार के बारे में जागरूक करना है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ने लगती है। हड्डियों की यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इससे आपको चलने फिरने और अपने रूटीन वर्क को पूरा करने में भी समस्या हो सकती है। महिलाओं में यह समस्या पुरुषों से ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि इस रोग से पीड़ित मरीज आसानी से गिर जाते हैं। ऐसी घटनाओं में कूल्हे व जोड़ों की हड्डियों के टूटने की संभावना अधिक होती है। यह समस्या होने पर पीठ दर्द, हल्की चोट लगने से भी हड्डियों का टूटना, थकान महसूस करना, बौना कद और कूबड़ निकलना आदि शामिल हैं। हड्डियां कैल्शियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस के साथ ही कई प्रकार के मिनरल से बनी होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप उम्र बढ़ने के साथ ही अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम से भरपूर खानपान लेना शुरू कर दें। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक घाटके से विशेष चर्चा में। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का रोग है जिसमें कि हमारे हड्डी में कैल्शियम डिपोजिशन होना बंद हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में और हमारी हड्डियों का नॉर्मल आर्किटेक्चर कमजोर हो जाता है और हड्डियां उसके कारण कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द और खास करके कूल्हे के फ्रैक्चर्स और रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग का जल्दी जल्दी डायग्नोसिस और उसका प्रॉपर उपचार बहुत जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस किसी एक कारण से नहीं होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। ये महिलाओं में ज़्यादातर देखा गया है क्योंकि उनमें हार्मोनल फैक्टर्स के कारण 45 के बाद जब मेनोपॉज होता है उसके बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण कि हड्डी में डिपोजिशन होना, हड्डी में कैल्शियम का डिपोजिशन होना कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाती हैं। दूसरी चीज दिनचर्या, जो पहले की दिनचर्या और आज के हमारे जमाने में दिनचर्या है उसमें काफ़ी फर्क आया है। जैसे कि पहले की दिनचर्या में हम मेहनत कश लाइफ रहती थी, घूमते फिरते थे, ज़्यादा चलते थे, सब चीज़ करते थे। आजकल टीवी, मोबाइल प्लस दिनचर्या चेंज होने के कारण आजकल हम आरामदायक जिंदगी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके कारण हड्डियों में कमजोरी आती है। हड्डियों को स्ट्रांग रखने का सबसे अच्छा उपाय जो रहता है वो ये रहता है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिसकी कमी के कारण और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। साथ ही साथ खान पान में जो लोग देखा गया है कि जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, डाइट में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा रहती है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी नहीं देखी गई है। लेकिन जो लोगों की डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड ये ज़्यादा रहता है, इनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कैल्शियम की कमी रहती है, जिसके कारण कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। अधिकतर लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी के रूप में रहती है। उसका डायग्नोसिस कब होती है? जब उनको ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड फ्रैक्चर होते हैं, जैसे कि कूल्हे में फ्रैक्चर होता है या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है या फिर मामूली चोट में कोई गंभीर फ्रैक्चर हो जाता है, तब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करते हैं तो देखते हैं तो इनको ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण समझ में आते हैं। जिन लोगों में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस या बहुत ज़्यादा गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस या ये गंभीर बीमारी है, उन लोगों में नॉर्मल हड्डी में पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब तकलीफें देखी गई हैं। साथ ही साथ हड्डियों में तिरछापन आना, ये भी एक ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन ये कैल्शियम डाइटरी कैल्शियम नहीं रहता है। ये कैल्शियम जो कमी होती है ये हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करने की क्षमता में कमी होने के कारण जो हमारे हड्डी का नॉर्मल आर्किटेक्चर रहता है वो कमजोर हो जाता है। जो नॉर्मल हमारे हड्डियों में जो आर्किटेक्चर रहता है उसमें बहुत कमजोरी आ जाती है और हड्डियों में खोखले पोल्स बन जाते हैं, जिसके कारण ये कभी भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। ये खास करके इसमें जो फ्रैक्चर देखे गए हैं वो कूल्हे के, स्पाइन के,
फ्रैक्चर ज्यादा कॉमनली पाए गए हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस के प्रारंभिक लक्षण तो हमें एक्सरे देख करके समझ में आ जाते हैं, बट इसमें कंफर्मेशन अगर लेना है तो कंफर्मेशन में इसका स्पेशल टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन बोलते हैं उसको। तो ये डेक्सा स्कैन करके हम ऑस्टियोपोरोसिस में 100% डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट के दौरान भी हम ये रिपीटेड स्कैन करके इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है हड्डी के आर्किटेक्चर में, ये भी हम देख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देखिए, आज पहले जो रहता था हम कैल्शियम देते थे, पर ऑस्टियोपोरोसिस में ये पाया गया है कि कैल्शियम तो सफिशियंट मात्रा में रहता है, लेकिन कैल्शियम हड्डी में डिपॉजिट होने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां आती हैं, जो कि हड्डी से, कुछ दवाइयां ऐसी रहती हैं जो हड्डी से कैल्शियम का कम होना रोकती हैं। कुछ इंजेक्शंस आजकल ऐसे आ गए हैं, टेरीपेराटाइड नामक इंजेक्शन पदार्थ का इंजेक्शन रहता है, जिससे कि हम हड्डी में कैल्शियम का डिपॉजिशन होना बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया हमारी दवाइयों का उपचार। साथ ही साथ केवल दवाइयों से ही ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दवाई के साथ साथ आपकी नॉर्मल दिनचर्या बढ़ाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, लंबी दूरी तक चलिए, अगर हो सके तो दौड़िए। अगर आप में कोई व्यसन है जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल, तो ये इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ आपका दिनचर्या हेल्दी रखिए, जो हमारी हड्डियां बनी हैं काम करने के लिए। हमारी हड्डियां, अगर हम हड्डियों से काम लेंगे तो हमारी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। अगर हम हड्डियों को रिलैक्स रखेंगे, हड्डियों को ज़्यादा आराम देंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कारगर तरीका यह है कि हड्डियों को प्रॉपर यूज़ में लाइए। कैसे लाइए यूज़ में? आप मॉर्निंग वॉक करिए, सूर्य नमस्कार करिए, अगर हो सके तो साइकिलिंग करिए, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करिए, और ड्रिंकिंग एल्कोहल ये सब चीज़ों से बचिए, स्मोकिंग से बचिए, और अपना आहार में जंक फूड की मात्रा कम करके पौष्टिक आहार लीजिए, जिसमें कि दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में कैल्शियम रहता है, आप कैल्शियम ले सकते हैं। अगर वेज डाइट है, वेज वालों के लिए कैल्शियम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, जैसे कि दही, लस्सी, पनीर, छाछ, ये सब अच्छी मात्रा में लीजिए। मेरा सभी लोगों से संदेश ये है कि हमारे इंडिया में जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं, उसके कारण हमारी हड्डियाँ, एशियन पॉपुलेशन की जो हड्डियाँ रहती हैं, ये यूरोपियन और अमेरिकन पॉपुलेशन के मुकाबले ऑलरेडी कमज़ोर रहती है। तो हम उस हिसाब से आगे हमारे एक्सरसाइज करके, अच्छी दिनचर्या रख के, स्वस्थ लाइफस्टाइल मेंटेन करके, पौष्टिक आहार खा करके, हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचे जा सकता है, और हम इंडिया को ऑस्टियोपोरोसिस मुक्त करने के दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल फ्रैक्चर के उपचार तो अवेलेबल ही हैं, साथ ही साथ स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्विसेज में खेल कूद से जुड़ी चोटें, जैसे कि घुटने की लिगामेंट टूट जाती है, या घुटने में गद्दी फट जाती है, या फिर किसी का कंधा बार बार उतरता है, या फिर कंधे की नसें टूट जाती हैं जिसके कारण कंधा ऊपर उठा पाने में असमर्थ होता है, या फिर फ्रोजन शोल्डर, कंधा चिपक जाता है, कंधा अकड़ जाता है, ये सब चीज़ों के लिए दूरबीन पद्धति या फिर आर्थ्रोस्कोपी, साथ ही साथ आर्थ्रोस्कोपी के साथ ही साथ उसी में ही हम लेजर की तकनीक के साथ इसका ऑपरेशन करते हैं। और साथ ही खेलकूद से जुड़ी चोटों के अलावा जो उम्रदराज लोगों में हम नॉर्मली पाया गया है कि घुटने की जोड़ घिस जाता है, घुटने की कटोरी घिस जाती है, कूल्हे की हड्डी घिस जाती है, जिसको कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं, उसके लिए नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये सब की सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पे। कोई भी गंभीर मरीज, एक्सीडेंट का मरीज अगर आता है तो उसके लिए पूरी केयर है यहाँ। हड्डी की किसी भी प्रकार की समस्या होने के लिए हमारे आप अस्पताल में आकर के पर्सनली मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारा अस्पताल बिलासपुर में गजानंद मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से है, ये नेहरू नगर में गणेश चौक के पास स्थित है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर आपको किसी भी बारे में कोई जानकारी चाहिए तो
तो नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं।